पीपल्स पार्टी तरफा बलोचिस्तान के जिले डेरा भुट्टी में जलसो, ताल के बीकर में जलसे में जयालन के वे अंग में आमद। अगूणो सदर आसिफ अली जरदारी जो ऑडियो लिंक जरिए खिताब, चवण है डेरा भुट्टी के हर मानू के रोजगार फ्राहम किया वो। बलोचिस्तान की आवाम जहा मसला अवलिय के बुनियाद से हल किया वा। पीपी अगवान सरफराज भुट्टी जो चवण है पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमायत है। पीपी जू पाड़ू पूरे मुल्क में आन। शहीद मोहतमा बेनजीर भुट्टो जो पुट मुल्क के बचाई। पीपल्स पार्टी हमेशा हारे नहीं गरीबन की गाल कई है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है। पाकिस्तान के का भी ताकत नहीं बचा सके। पाकिस्तान सऊदी अरब बीच में दिफाई सहकार बाबत टियों इजलास। आईसीआर मौजूद जीएचक्यू में मुनद इजलास में गरियल तारीखी भाईचारे वेझन लागापन की अहमियत से जोर दिनों वो। फोरम बिन्हीं ब्रादर मुल्क में तारीखी लागापन की अहमियत के उजागर किया। इजलास में बितरफी दिलचस्पी के मामलन उभरदड़ सिक्योरिटी माहौल से ख्याल की दे। तहरीक इंसाफ जुबानी चेयरमैन नव मई सानिये दौरान जीएचक्यू हमले केस में गिरफ्तार। रावलपिंडी की दहशतगर्दी टोड़ अदालत केस की बुधड़ी कई। पीटीआई बानी के अदालत में तलब किया वो हो पर जेल इख्तियार केस पेश करण का मुआजरत कई। जहबाज संदस वीडियो लिंक जरिए पेशी यकीनी बनाई वे। नैब नवाज शरीफ और संदस खानदान खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में जांच बंद कर छी। नैब मौजूद पेरी जनवरी 2024 से थियल ब्यूरो के एडवोकेट मीटिंग के फैसले का शरीफ ट्रस्ट केस में जांच बंद कई वही। इल्ज़ाम लगाया वो हो तो शरीफ खानदान गुझे तौर से शरीफ ट्रस्ट में करोड़े रुपया वसूल किया। यो भी इल्ज़ाम लगाया वो हो तो ट्रस्ट के खातन जो ऑडिट ना कराया वो रकम में खुर्द बुर्द कई वही। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई अगवान शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी और फरहा गोगी समेत छह जणन जा असासा बैंक अकाउंट मंजमंद करण जो हुक्म दे छो। जवाबदार के नाले रजिस्टर्ड गाड़ियों भी जब्त करण जो हुक्म अदालत इश्तियारी करार दियण बाद समूरन जवाबदार जा दायमी गिरफ्तारी वारंट जारी कर छा। लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई जुबानी चेयरमैन की तोशाखाना केस में नाहली खिलाफ दरख्वास्तू बुधड़ी लाए मुकरर कर छू। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में पंज रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी का बुधड़ी कंदी। पीटीआई बानी तोशाखाना केस में नाहली के चैलेंज किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुस्लिम लीग नून के सदर और अगूड़े वजीर आजम शहबाज शरीफ खिलाफ भी अपील भी रद्द कर छी। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल शहबाज शरीफ जी एने 222 तारीख कराची तार नामजदगी कागज मंजूर थे खिलाफ अपील से बुधनी कई दरख्वास्त मौके इख्तियार है। शहबाज शरीफ नामजदगी कागजन में दुरुस्त हलफनामो ना लगाया इन हल्फी बयान में कारोबार बाबत गलत बयानी कई है। पीपी क्यादत सिंध में कौमी और सूबाई असेंबली के नामजद उम्मीदवार का सिवाय बेन अगवाड़न के हथ खण की हिदायत कर छी। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो जो चवण है तो समूरा मेंबर पार्टी पारा ऐलानल उम्मीदवार के हक में हथ खी वन। पार्टी जिन उम्मीदवार के नामजद करण जो ऐलान किया है उन्हें टिकट्स जारी कई वेंदू। पीपुल्स पार्टी 8 फरवरी से सजे मुल्क में सरप्राइज दी। सुप्रीम कोर्ट जो 8 फरवरी से चूडू कराने वो फैसलो पत्थर से लकीर है। जीडीए अगवान अगूणे सूबाई वजीर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के पुटन हसनैन मिर्जा हसा मिर्जा जहा नामजदगी कागज मंजूर किया वा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हसा मिर्जा हसनैन मिर्जा जहा कागज रद्द करो आरओ जो फैसलो कलदम करार दींदे बिन्हीं जहा कागज मंजूर किया। सिंध हाई कोर्ट पीटीआई अगवान फिरदोस शमीम नकवी की नामजदगी कागजन की मंजूरी खिलाफ दरख्वास्त रद्द कर छी। जस्टिस अदनान चौधरी की सरबराही में ब रुकनी बेंच फिरदोस शमीम नकवी की दरख्वास्त से बुधनी कई। दरख्वास्त गुजार मौके इख्तियार किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अहम कानूनी नुकतन के नजरअंदाज किया। हल्फी बयान में पार्टी जो ताल्लुक बुधाण जरूरी है जो फिरदोस शमीम नकवी न कर। कारूंजर जबल की खोटाई वाले मामले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। हाई कोर्ट बार और वकीलन पारा दाखिल अपील में मौके इख्तियार किया वो तो महदूद सोच रखने वारा कोशिश कन पाया तो कें तरीके से खोटाई कई वे। कारूंजर सकाफती तारीखी विरसो है उनकी खोटाई के सूरत में थियण न दींदी। असा कारूंजर की खोटाई
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वींदासी। खुराक खाते 12 करोड़ रुपयन का वधी करप्शन साबित थियण ते नौशर अफरोज ए शहीद बेनज़ीर आबाद जिलन जे 8 फूड इंस्पेक्टर्स के नौकरियन ता फारिग कर छड़ियो। बरतरफ थियल फूड इंस्पेक्टर्स में भिरिया रोड जो बदर कीरियो, शामी सोलंगी ए मीर हसन सोलंगी शामिल। हैदराबाद में मुसाफिर ट्रेन बड़े हादसे का बची वही। रेलवे स्टेशन में जो पाकिस्तान एक्सप्रेस की बोगी पटड़ी ता लही वही। रेलवे अमलदारन मौजूद बोगी पटड़ी में लगल जोर टुटर सबब डीरेल थी वही। को भी जानी नुकसान न थो है। वर्डे में आयल वधीक बिन मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक थी। निगरान सेहत खाते के तर्जमान चवा है तो केजवासी मुसाफिर अबू जहबी खां आई बो मुसाफिर अटक वासी जिदा खां कराची पहुंतो। बिन्हीं मुसाफिर के करंटीना की हिदायतों से घर मोकलो वो। कोविड के किस्म की लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट का मालूम थो। उन अग परे में आयल 4 मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक की हुई। दखण लिबनान में इसराइली हवाई फौज जो हमलो हिजबुल्ला जो सीनियर कमांडर वसाम तवील शहीद थी वो। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिब इसराइली फौज पारा वसाम की गाड़ी के उन वक्त निशानो बनाया वो जै वक्त वो पहले गोट बनी रहे हो। इसराइल पारा हमास के 3 हदफन के निशानो बनाने की दावा। इसराइली फौज पारा गजा में इन वक्त ताई सब का वे हथियार की फैक्ट्री के भी पकड़ने की दावा। मटियारी जिले में मंशात के विक्रय में मुलविस पुलिस एहलकार खिलाफ कार्रवाई। डीआईजी हैदराबाद मटियारी के मुख्तलिफ थानन से ड्यूटी कदड़ एक एएसआई समेत 10 एहलकार के मौतल कर छो। मौतल एहलकार के हैदराबाद रेंज में रिपोर्ट करने जो हुक्म। सर्वे जो मुसाफिर वेन ट्रक में टक्कर औरतें बारन समेत 15 जना जख्मी। खाणो थाने की हद इंडस हाईवे से सन खां हैदराबाद वींदड़ वेन ट्रक से टकराई वही। जख्मी के गोठान वेन में कड़ी अस्पताल के अस्पताल मांझन पहुंचाया। कुछ जख्मी की हालत गणती जोगी बुधाई थी वे।